जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, हम वेबिनार आज का शुरू करते हैं। मेरे साथ जीशान हैं जो हमारे चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आज का बेसिकली जो वेबिनार है इट्स अबाउट टैक्स सेविंग्स इन पेंशन स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो ओवर टू यू जीशान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तन्वी शुरू करें ना? जी प्लीज। बिल्कुल ठीक है, तो अगली स्लाइड पे। थैंक यू वेरी मच। हम बस शुरू करते हैं इसको और कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूपीएल फंड्स का। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग शायद कोई गलत हो गई है हल्की सी। तो हम वी आर इन बिजनेस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। 2001 से हम एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में हैं। जो रेटिंग है हमारी AM1, विच इज़ द हाईएस्ट रेटिंग, जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको जो रेटिंग्स मिली हैं, ये AM1 इज़ द हाईएस्ट बीइंग गिवन टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम उन 4 कंपनीज में से हैं जिनको ये हाईएस्ट रेटिंग मिली हुई। हमारा 80,000 प्लस क्लाइंट बेस है। जो हमारा क्लाइंट बेस है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है इन अ वे दैट इसमें इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ्स, कंपनीज, उनकी ट्रेजरी, उनके रिटायरमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, हर तरह का क्लाइंट जो है वो हमारे पास इन्वेस्टर है। यूबीएल फंड्स ने शुरू से ही पिछले 20 सालों में टाइम टू टाइम ये हमने किया है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को जिसमें हमने पाइनियर किया है। वी वर द फर्स्ट वंस। पाकिस्तान का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमने किया। पाकिस्तान के पहले CPPI जो फंड थे, प्रिंसिपल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी बेस्ड, वो हमने किए। पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा एक्टिव एलोकेशन म्यूचुअल फंड हुए वो UPL ने लीड किया उसको। इस तरह बहुत सारी हमारी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हमने लॉन्च किए, जिसमें हम फर्स्ट है और हमने एक्चुअली इंट्रोड्यूस की। सो ये ब्रीफ एक बैकग्राउंड है। हम UBL बैंक की होली ओन सब्सिडरी है, 100% ओन करता है UBL बैंक। आगे जा सकते हैं तन्वीर। ओके, सो ये कुछ मेरा ख्याल है शायद हमारी प्रेजेंटेशन हैंग हो रही है, आई डोंट नो। सो दिस इज द बेसिक, दिस इज अ बोर्ड ऑफ UBL फंड्स। इंडिपेंडेंट चेयरमैन है हमारे अजहर साहब, चेयरमैन हुमा पाशा, एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हमारे बोर्ड पे। एंड देन वी हैव गॉट नॉमिनेशन फ्रॉम UBL बैंक। सो इमरान सर, आरएफ, असलम साहब एंड रिजवान, दीज आर द 4 सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक। एंड देन यासिर कादरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री में इस बिजनेस के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो राइट में समय लगता है कि हमारे पास है। तो CFAs, MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सारी हमारे पास है। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है उसमें 17 लोग हैं। 7 हैं उनमें से CFA चार्टर होल्डर्स हैं, 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और सब एक हमारे पास हमें लगता है एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है मैनेजमेंट बिजनेस के लिए वो अवेलेबल है। और वो फिर हमारी फंड परफॉर्मेंस और जो हमारी बहुत सारी सर्विसेज जो हमने टाइम टू टाइम लॉन्च की, जो प्रोडक्ट्स की, वो फिर उसमें रिफ्लेक्ट भी करती है। ये हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर द मोस्ट डेकोरेटेड AMC। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले, टाइम टू टाइम मिले। तो अगर आप तन्वीर, आप मुझे अगर होस्ट बना सकें तो मैं जरा इसको, या आप खुद कर सकें, ये जो आखिरी है शरिया स्टॉक फंड को अगर पॉइंटर कर सकें। सो मिसाल के तौर पर इसको रेड भी कर सकते हैं सर्कल हम जी। सो जो हमारा शरिया स्टॉक फंड है, जो बेसिकली हमारा फ्लैगशिप फंड है, उसको पिछले, ये जो तनवीर ने भी हाईलाइट किया है, सो ये इसको 3 इयर्स की परफॉर्मेंस, 5 इयर्स की परफॉर्मेंस और 10 इयर्स की परफॉर्मेंस पे बेस्ट फंड का अवार्ड रिपर्स की तरफ से मिला। और जाहिर इक्विटी फंड जब होते हैं तो नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है वो इन्वेस्टर ट्रैक कर रहे होते हैं। तो कंसिस्टेंटली इस फंड ने जो है अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया और लिपर अवार्ड मिला हमें। मैप के अवार्ड 3 ईयर इन रनिंग मिले। एक आपको इससे पहले दिख रहा होगा लास्ट फ्रॉम एसेंट में CIO 100। ये हमको जो है हमारा जो हार्डकोर सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली जिससे सारी हमारी कस्टमर सर्विसेज
फिर इवेंचुअली निकलती हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूएस में अवार्ड मिला। सो हमें मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी अवार्ड आपको दिख रहा होगा मिला। तो बहुत सारे अवार्ड हमें टाइम टू टाइम फंड परफॉर्मेंस पे हमारी कस्टमर सर्विसेज के ऊपर मिले। आज का जो टॉपिक है वो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल और थोड़ा शॉर्ट भी रखते हैं इसको, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे उनको भी आंसर करें। बेसिकली जब म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में लॉन्च हुए तब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सॉर्ट ऑफ बेनिफिट पास ऑन किया टू द इन्वेस्टर्स ऑफ टू द टैक्स पेइंग इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और जहां म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न कॉम्पिटिटिव मिलता है, आपको हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, सो फ्रॉम अ वेरी लो रिस्क मनी मार्केट फंड टू अ हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल इक्विटी फंड, जो एक सारा मेन्यू अवेलेबल होता है हमारे पास। सो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए दो महीने के लिए तीन महीने के लिए पैसे रखने, रिस्क भी कोई नहीं लेना क्योंकि शॉर्ट टर्म होराइजन है, सो उनके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मनी मार्केट फंड अवेलेबल होता है जो या तो शॉर्टर एंड टीबिल्स में या क्वालिटी बैंक डिपॉजिट में करता है, टू समवन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कहते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना है या किसी और लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, उनके लिए हमारे पास इक्विटी फंड है। तो वो जो आपको रिटर्न पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड्स का वो तो अपनी जगह पे जाहिर है। ऑन टॉप ऑफ इट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो आप टैक्स पे करते हैं अपनी सैलरी के ऊपर, जो सैलरी टैक्स होता है आपका या जो आप बिजनेस के ऊपर टैक्स पे करते हैं, उस पर रिडक्शन मिल जाती है, जो कि एक्चुअली आइसिंग ऑन द केक है ना कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें मनी मार्केट फंड में करें फॉर एग्जाम्पल, उस पर आपको एक रेगुलर रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, प्लस आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो सैलरी का टैक्स है उसको रिड्यूस कर दे, तो ये एक एडेड सॉर्ट ऑफ बेनिफिट है जिसको हम टैक्स रिबेट कहते हैं। तनवीर अगले पे हम शायद फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि आप आगे होगा नेक्स्ट जी, आप अपनी टैक्सेबल इनकम का बिल्कुल इससे पीछे वाली स्लाइड ठीक थी मेरा ख्याल है। सो आप अपनी ये जो लेफ्ट पहला वाला है जो सर्कल है, सो आप अपनी इनकम का 20% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके जो आप सैलरी पे या बिजनेस पे टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को आप 20% से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी इनकम मिसाल के तौर पे 2.5 लाख रुपए महीना है, तो व्हेन वी से योर टैक्सेबल इनकम इसका मतलब है आपकी बेसिक सैलरी, आपका हाउस रेंट अलाउंस, आपकी यूटिलिटीज, आपको जो बोनसेस मिलते हैं, एवरीथिंग पुट टुगेदर, वो जब आप उसको ऐड कर लें तो वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। तो आप अपनी उस टैक्सेबल इनकम का 20% तक म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जो टैक्स आप अपनी सैलरी पे ऑन अ मंथली बेसिस पे करते हैं वो टैक्स 20% से कम हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस इनकम है आपकी, कोई आप सोल प्रोप्राइटर है फॉर एग्जाम्पल, और आपकी कोई बिजनेस की इनकम आ रही है और वो इनकम जो फाइनल टैक्स में नहीं जाती है, तो आप अपनी उस इनकम का 20% तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और जो आपके बिजनेस के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। वो फॉर्मूला यह है म्यूचुअल फंड का कि आप अपनी इनकम का 20% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टैक्स रिबेट पर्पजेज या 20 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम पूरे साल की 10 मिलियन रुपीज है और 20% आप इन्वेस्ट करें तो वो 20 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम 15 मिलियन रुपए है तो उसका 20% तो बनेगा 30 लाख, बट आपकी इन्वेस्टमेंट जो टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी वो फिर भी 20 लाख रहेगी। तो क्या म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ टैक्स रिबेट के लिए करते हैं? नहीं, मेजोरिटी हमारे कस्टमर्स वो हैं कि जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारे पास टैक्स रिबेट के लिए, विच इज 20% ऑफ देयर इनकम, और उससे ज्यादा इनकम जो है वो टैक्स रिबेट के लिए तो क्वालिफाई नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर आपको रिटर्न जो है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव मिल जाता है। तो लोग अपनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को दो सेगमेंट में कर देते हैं, वन इन्वेस्टमेंट दैट इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट एंड विच इज अप टू 20% ऑफ योर इनकम, और बाकी दूसरी जो उनकी सॉर्ट ऑफ रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होती हैं जो ओवर एंड अबव होती हैं, तो वो अलग से भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20% तक की टैक्स सेविंग मिलती है, हमारा एक और प्रोडक्ट होता है विच इज पेंशन फंड। सो ऑन टॉप ऑफ म्यूचुअल फंड यू कैन इन्वेस्ट फर्दर 20% इनटू पेंशन फंड्स, जिसको वीपीएस कहते हैं, और आप अपना जो टैक्स है वो फर्दर 20% से रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इनकम 10 मिलियन रुपए है तो आप 20% विच इज 2 मिलियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, 2 मिलियन आप वीपीएस में इन्वेस्ट करें, और आप अपने उस साल का जो आपने टैक्स पे करना है उसको 40% से रिड्यूस करें। ये दोनों चीजें जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, विच मीन्स ये
ओके तो अगर आप ये एग्जांपल यहाँ देख लें, तनवीर ने ये बहुत एक अच्छा ग्राफ सामने रख दिया, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें कि अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी इनकम 30 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए रफली पर मंथ बनती है ये, तो आज आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अबाउट 9.5% इसके ऊपर टैक्स पे करते होंगे जो आपकी मंथली सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। और अगर आप रुपी वैल्यू में देखें तो आप इफ यू आर अर्निंग 3 मिलियन आप रफली 282,000 का टैक्स पे कर रहे होंगे और आपकी जो टेक होम सैलरी होगी वो 3 मिलियन माइनस 282 होगी। म्यूचुअल फंड में अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आप ये जो टैक्स है 282,000 का वो आप रिड्यूस कर सकते हैं 56,000 से, विच इज 20%। और फर्दर अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करें इनटू वीपीएस तो वो फर्दर 56,000 यानी कि टोटल आप देखेंगे 113,000 जो कि रफली 40% ऑफ योर टोटल टैक्स है वो आप उसकी सेविंग कर सकते हैं। और ये सेविंग सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट है फॉर सैलरी कि जो आपकी सैलरी पे मंथली टैक्स डिडक्शन हो रही है वो टैक्स डिडक्शन ऑटोमेटिकली आपके पेरोल को जब आप ये स्टेटमेंट देंगे तो वो एडजस्टमेंट जो है खुद ही हो जाएगी। यानी ये रिफंड वाली सिचुएशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है बाय योर एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ योर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट डिडक्शन फ्रॉम योर मंथली सैलरी। तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने वो स्टेटमेंट जो है अपने पेरोल एचआर को दी और ऑटोमेटिकली वो जो टैक्स डिडक्ट करते हैं उस टैक्स को वो रिड्यूस कर देंगे, तो आपको डे वन से ही ये बेनिफिट पास होना शुरू हो जाता है। और ये बस ध्यान में रखिएगा कि ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, ऑन टॉप ऑफ इट जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी म्यूचुअल फंड में उसमें जाहिर है फिर आपके जो रिटर्न पोटेंशियल है वो अपनी जगह पे रहेंगे। तो आमतौर पर जब आप बहुत सारी जगहों पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते होंगे तो ऐसी कोई आपको इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू नहीं मिलेगा जहां पे रिटर्न पोटेंशियल भी हो और आपको एक टैक्स की सेविंग भी हो रही हो। म्यूचुअल फंड में आपको और पेंशन फंड्स में अपॉर्चुनिटी है। जो एक कंडीशन है वो ये है कि वैसे म्यूचुअल फंड्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं इन अ वे कि आप जब चाहें उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और जब चाहें पैसे निकाल लें, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड में जिस पे आपने टैक्स रिबेट लिया है, जो मैं अर्ज कर रहा था के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर रिटर्न एज वेल एज फॉर रिटर्न प्लस टैक्स क्रेडिट, तो जो इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिस म्यूचुअल फंड में जो आप जिस पे आपने टैक्स क्लेम किया, विच मींस आपने अपने एम्प्लॉयर से शॉर्ट डिडक्शन करवाई है अपने टैक्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट को आपको 2 साल तक के लिए होल्ड करना है। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की टैक्स रिबेट क्लेम किया म्यूचुअल फंड में तो वो इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए आपको होल्ड करनी है। उससे पहले अगर आप निकालेंगे तो जो आपने टैक्स बेनिफिट लिया वो आपको वापस करना है। वेल जो वीपीएस है जो पेंशन फंड है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, तो उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आपको उसको सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू करना है टिल रिटायरमेंट। और वो रिटायरमेंट ये है कि या तो आपकी 60 ईयर्स ऑफ एज हो जाए या फिर 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉट एवर कम्स फर्स्ट। तो अगर मिसाल के तौर पर आपकी एज आज 52 है और आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपकी रिटायरमेंट एज अर्लीस्ट होगी वो 60 ईयर होगी, और उस रिटायरमेंट एज के ऊपर उस वक्त की जो भी वैल्यू आपकी होगी उसका 50% आप लमसम टैक्स फ्री निकाल लेंगे और फॉर रिमेनिंग 50 एक आपको ड्रॉडाउन सॉर्ट ऑफ एन्यूटी प्लान मिल जाएगा जिसमें आपको मंथली बेसिस के ऊपर एक पेंशन पेमेंट आ रही होगी जो कि टैक्स फ्री होगी, तो पूरी साइकिल टैक्स फ्री हो जाएगी। जो नॉर्मली हमने देखा, एक और एग्जाम्पल अगर तनवीर आप दिखा दें किसी नंबर्स की तो हम वेरी क्विकली उसको भी टच कर सकते हैं। 20 पीछे जा सकते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। तो अगर किसी की इनकम 10 मिलियन है 8.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है तो आज वो अपनी इनकम पे और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई अबाउट 26% का टैक्स पे करते हैं इफ यू आर मेकिंग 10 मिलियन रुपीज 26 लाख रुपए के। तो आप अगर 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में करें और 20 लाख रुपए पेंशन फंड में करें तो आपको जो टोटल टैक्स रिबेट या टैक्स रिडक्शन हो जाएगी वो मिलियन रुपए की हो जाएगी, विच मीन्स कि इंस्टेड कि आप 26 लाख रुपए का टैक्स पे करें you will be paying about 1.5 million rupees in taxes. तो instead आपको 10-11 लाख रुपए की टैक्स की सेविंग होगी। अब जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है और जो इसमें जब भी हम किसी सेमिनार में होते वो ये आता है कि अगर किसी की इंटाइटलमेंट है से फॉर एग्जाम्पल 20% और वो बनती है 6 लाख रुपए, तो क्या 6 लाख पूरा करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते और 3 लाख कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, तो 3 लाख की हद तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। 6 लाख जो है जो 20% है दैट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन इन्वेस्ट फॉर टैक्स रिबेट पर्पसेस। मिनिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपने उसे कम किया तो आपको उसी हद तक उसी एक्सटेंड तक टैक्स रिबेट मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको एक साथ इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है।
तो बिकॉज हमारा नॉर्मली टैक्स ईयर होता है जुलाई टू जून, तो आपको स्टैगर कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। बहुत सारे लोगों का ईयर एंड जो है या अप्रेजल साइकिल दिसंबर में होता है, तो जब बोनसेज आते हैं लोगों को तो जनवरी में कर लेते हैं, फरवरी में कर लेते हैं, पूरा साल होता है आपके पास और जो आपके लिए कन्वीनियंट। तो बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा कि मंथली करते हैं, जुलाई में किया, अगस्त में किया, सितंबर स्किप कर दिया, अक्टूबर में कर दिया, फिर स्किप कर दिया, डजंट मैटर। जो जिस हद तक आप करेंगे वो उस एक्सटेंड तक आपकी इन्वेस्टमेंट इंटाइटल्ड हो जाएगी टैक्स रिबेट की। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने इवेंचुअली साल में पूरा कर देना, ये प्रोसेस है। तनवीर आप बताना चाहेंगे इसको या अगर करना हो तो? ओके, तो बेसिकली इसमें ये वाला जो प्रोसेस है ये सैलरीड पर्संस के लिए है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दी हुई है एम्प्लॉयर्स को कि अगर वो कोई भी उनका एम्प्लॉई अगर म्यूचुअल फंड्स में या पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करे और वो अपनी अकाउंट स्टेटमेंट अपने पेरोल डिपार्टमेंट को सबमिट कर दें वेल इन टाइम, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो टैक्स ईयर है उसका एंडिंग होता है जून में, तो फर्ज करें अगर आपने टैक्स रिबेट क्लेम करनी है तो दिस इज द राइट टाइम, आइडियल टाइम है कि फरवरी या जनवरी या इससे भी पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और अपने पेरोल को अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दें तो वो इसकी एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे और उसको वो स्प्रेड कर देते हैं जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं टिल द एंड ऑफ टैक्स ईयर। तो इनको इजाजत है पेरोल को कि वो टैक्स क्रेडिट की मुख्तलिफ पेमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि एडवांस इनकम टैक्सेस हैं, मोबाइल फोन के व्हीकल्स का जो टोकन टैक्स होता है उसमें जो इनकम टैक्स विदहोल्ड किया जाता है, तो ये एडवांस टैक्सेस जो हैं ये एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो ये पेरोल डिपार्टमेंट को फुली इख्तियार दिया गया है कि वो इसकी एडजस्टमेंट्स कर सकता है। नॉन सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, नॉन सैलरीड पर्सन क्योंकि टैक्स खुद सबमिट कर रहे होते हैं तो वो इसकी कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंगली अपना टैक्स जो है वो जमा करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन जो है उनके अपने हाथ में है कि उन्होंने कितनी पेमेंट जमा करानी है। कुछ लोग जून तक पेमेंट जमा करा देते हैं पूरी टैक्स की, और कुछ लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न के टाइम अपनी फाइनल कैलकुलेशन करके जो अगर उनको मजीद टैक्स जमा कराना है तो वो भी जमा करा देते हैं। तो नॉन सैलरी पर्सन के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि वो इसको इवन जून में भी इन्वेस्ट करें या मई में भी इन्वेस्ट करें तो अपना टैक्स जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करा सकते हैं। ये बेसिकली एक टेबल है, ये हमारी वेबसाइट पे भी शायद इस शक्ल में तो अवेलेबल नहीं है, बट एक बड़ा आसान सा टैक्स सेविंग कैलकुलेटर मौजूद है, वहाँ आप अपनी टैक्सेबल इनकम मेंशन करें, आप अपना सैलरीड या नॉन सैलरीड मेंशन करें और वो आपको कैलकुलेटर बता देगा कि आपको मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो अब इसके लिए जाहिर है अगर आपका ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुला हुआ है UBL फंड्स के साथ तो बहुत इजी है, बट अगर नहीं खोला तो आप हमें कॉल कर दीजिए, ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं 0800-000-26 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 0800-26-336। इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं इन्वेस्ट लिख के या टैक्स लिख के 28258, और हमारी वेबसाइट पे जाके लीड फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपसे इंशाल्लाह जल्द ही रब्ता करके आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कम्प्लीट कर देगा। कुछ और सर्विसेज जो हमारी हैं, एक दफ़ा आपका अकाउंट एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हमारी एक UBL स्मार्ट सेविंग्स ऐप है जिसके ज़रिए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली फॉर टैक्स रिबेट पर्पसेस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेरोल को जमा करा सकते हैं ताकि टैक्स की एडजस्टमेंट करा दें। अगर आपने डेली अपने बैलेंसेज को ट्रैक करना है तो ऐप के ज़रिए से भी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल भी है UBL फंड्स की वेबसाइट पे, अलमीन फंड्स भी एक हमारा ब्रांड है जिसमें शरिया कंप्लाइंट फंड्स की हम ऑफरिंग करते हैं, तो दोनों रेंजेस हैं हमारे पास, यानी शरिया कंप्लाइंट फंड्स भी और कन्वेंशनल फंड्स भी, तो वहां से भी कर सकते हैं। फिर एक हमारी व्हाट्सएप सर्विस है, व्हाट्सएप सेल्फ सर्विस, जिसके जरिए आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, टैक्स का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपना डेली बैलेंस भी व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट कोई सजेशन हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए से हमें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन थी। इसमें एक चीज तनवीर अगर मुझे आया जी, जी, अगर अब जो हाँ, अभी एक आपने ब्रोशर दिखाया था जो जिसको आप अभी कह रहे थे ना कि हाँ, तो ये जो एक शायद अहम चीज है, और अगर हम अपने फेसबुक पेज पे या कहीं और भी
इस टेबल को शेयर कर सके तो आपको लेफ्ट पे ये जो दिख रहा है ये जो एनुअल इनकम वाला कॉलम है, तो जो आप लोगों में से अपनी अपनी इनकम्स को यहाँ अगर आप फॉर एग्जांपल ऑन द लेफ्ट साइड असेस कर लें तो आपको अगले कॉलम में ये पता लग जाएगा कि आप इफेक्टिवली आज आप उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड का टैक्स रिबेट आपको मिलना है वो आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय योर टैक्स रेट, यानी कि आप कॉलम नंबर टू में जिस रेट में फॉल करते हैं, अगर आपकी 45 लाख की इनकम है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12.6% है, तो इस रेट को आप अपनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टैक्स रिबेट आ जाएगा। और ये परसेंटेज ही एक्चुअली आपका सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट है टैक्स का। तो अगर कभी आप अपनी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको इस एंगल से इसको शायद देखना चाहिए कि आप अगर कहें कि मैं एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, उसे अलवीन इस्लाम एक कैश फंड है हमारा, तो उसे 8% 8.5% का अगर उसका रिटर्न है, एग्जैक्ट वो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी हम पोस्ट करते हैं डेली, तो आप अगर 2 साल के लिए इसको होल्ड करते हैं और अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह सब सेम रहता है, तो 2 साल में आप उसके ऊपर 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 16 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस 12.7 ये आपको एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट। तो जब आप उन दोनों को मर्ज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 12 रुपए ये और 16 रुपए ये, तो ओवर 2 ईयर्स ये आपका टोटल प्रॉफिट को 28-29 रुपए का हो गया, और इसको आप एनुअलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 14%। तो आपने कोई रिस्क नहीं लिया, बहुत लो रिस्क फंड में आप रहे, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, टैक्स बेनिफिट लिया, तो आपका रिटर्न जो है एनुअलाइज वो 14% बन गया, जो आपको नॉर्मली किसी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में मिलेगा नहीं। तो ये टैक्स बेनिफिट जब आपके प्रॉफिट में ऐड होता है तो सिग्निफिकेंटली वो आपके जो टोटल प्रॉफिट है ऑन योर इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ा देता है। तो आप ये टेबल को देख के खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एडिशनल प्रॉफिट कितना होना है, आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मल्टीप्लाई बाय योर टैक्स रेट इज द एडेड बेनिफिट। जी जल्दी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा एक क्वेश्चन आया है फेसबुक पे, इफ अ पर्सन इज ओवर 40 इयर्स ऑफ एज ही शी मे गेट 2% मोर टैक्स रिबेट, तो मेरा ख्याल है इसका जवाब ये बेसिकली पेंशन फंड में एक 2019 तक ये फैसिलिटी दी गई थी कि अगर कोई 40 इयर्स प्लस एज के कोई सब्सक्राइबर हैं और वो पेंशन फंड में अकाउंट खोलते हैं तो उनको हर साल 2% की एडिशनल टैक्स रिबेट वो ले सकते थे, बट ये इसकी टाइम लिमिट June 30th 2019 थी, उसके बाद से ये इफेक्टिव नहीं है, तो ये 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ही होगी। अच्छा एक दिशान अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर सके, एक तो ये कि ये जो टैक्स रिबेट्स हैं ये कौन-कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल हैं। ओके, तो अगर तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी इनकम पे एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि आपकी जो सैलरी इनकम पे टैक्स है वो 20% से म्यूचुअल फंड में और 20% से VPS में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम ऐसी है जो जो आप लोग आप में से जो लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं या बाकी लोग भी जो किसी टैक्स कंसल्टेंट या कुछ हमारी इनकम होती है जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम कहलाती है या फाइनल टैक्स इनकम होती है, मिसाल के तौर पे आपको डिविडेंड आता है या आपको कहीं से कैपिटल गेन्स मिलता है, तो वो इनकम जो फाइनल टैक्स या सेपरेट ब्लॉक की इनकम होती है वो एलिजिबल नहीं होती फॉर टैक्स रिडक्शन पर्पसेस, क्योंकि वो मिनिमम टैक्स होता है। तो आपकी सैलरी इनकम है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फुल रेट पे टैक्स होता है, वो वाली इनकम क्वालिफाई करती है टैक्स रिडक्शन के, लेकिन हर ऐसी इनकम जो एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है आपकी वो क्वालिफाई नहीं करती टैक्स रिबेट के लिए, लेकिन इवन देन आपकी वो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जो है उस वो आपको एक डिसेंट रिटर्न पोटेंशियल जरूर दे। अच्छा इसमें रेंटल इनकम जो है वो सेपरेट ब्लॉक है या नॉर्मल इनकम के साथ क्लब होती है? वो अब सेपरेट ब्लॉक हो गया है, तो वो हर साल ही उसमें चेंजेस आती रही है फॉर इंडिविजुअल्स, तो अब वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। So mainly salary income and income from business income. ये दो इनकम जो हैं इसके अगेंस्ट आप टैक्स रेट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल ये आया है कि अगर कोई रिफंड हो, जैसे टैक्स क्रेडिट तो उन्होंने अवेल कर लिया बट उसकी एडजस्टमेंट पूरी नहीं कर सके और एक्सेस टैक्स उन्होंने पे कर दिया, तो रिफंड का क्या प्रोसीजर होगा? रिफंड ये है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें रिफंड ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था पहले, अब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, टैक्स रिबेट आपने क्लेम किया, तो बिकॉज आपके पास अब एडजस्टमेंट के लिए गुंजाइश नहीं है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें एक रिफंड का हेड निकल के आ जाएगा,
तो वो आप जब अपना रिटर्न फाइल कर देंगे तो चांसेस आर कि आपको रिफंड मिल जाएगा। हमने कुछ केसेस में जरूर देखा है कि कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्होंने एम्प्लॉयज के जो रिफंड हैं बेस्ड ऑन देयर टैक्स रिटर्न्स उसको अगले साल के टैक्स से एडजस्ट किया है, लेकिन बहुत सारे केसेस में एम्प्लॉयर्स ने डिक्लाइन भी किया है बिकॉज ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम करें। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप जल्दी शुरू कर दें अपनी टैक्स रिबेट की इन्वेस्टमेंट, ताकि जैसे जैसे आपकी विदहोल्डिंग हर महीने हो रही हो उसी में से इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकें। बट आइडियल तरीका इसका ये है कि इफ अ सिचुएशन कम्स इन वेयर योर टैक्स हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, आप क्लेम करें टैक्स रिबेट और रिफंड जो है वो अपने रिटर्न में फाइल कर दें तो आपको विद टाइम रिफंड मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका जो आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू ऐड ऑन के मंथली आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे अपने यूबीएल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप म्यूचुअल फंड के लिए पेमेंट्स कैजुअल कर सकते हैं। यानी अगर लेट्स से आपको हर महीने की 25 को सैलरी मिलती है तो आप 26 या 27 या 28 जो भी डेट आप सेलेक्ट करें उस डेट पे आप एक अमाउंट डिसाइड करके आप स्केड्यूल कर सकते हैं पेमेंट, तो ऑटोमेटिकली उस डेट को यूबीएल बैंक का सिस्टम जो है वो म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड में जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें इन्वेस्ट कर देगा और आपको हमारे सिस्टम से उसके लिए एक SMS और ईमेल वगैरह वो भी आपको रिसीव हो जाएगी और फिर आप अपनी स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ईजी तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आप पे पड़ता। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को बोनसेस मिलते हैं, जो जनरली जैसे बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं तो उनको फरवरी मार्च और देयर अबाउट ये बोनसेस मिल रहे होते हैं, तो अक्सर उनकी कोशिश होती है कि बोनस को लमसम इन्वेस्ट करके उस पर टैक्स क्रेडिट ले सके। बट ये है कि डिफरेंट पर्पजेज के लिए आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये आया था कि 2 साल अगर मैंने होल्ड किया तो क्या मैं उसी अमाउंट पे दोबारा से टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बेसिकली फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको हर 2 साल के बाद करनी है, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो मैच्योर हो गई, मैच्योर से मेरा मतलब है जिसको वो 2 इयर्स का होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, तो आप उसको एक दफा एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके और जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको विड्रॉ कर लें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नई इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आप एलिजिबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर उन्होंने उसमें से डिविडेंड मेरा यानी डिविडेंड की कैश पेमेंट से लियो तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, टैक्स क्रेडिट पे ठीक है? ठीक, बिल्कुल भी नहीं। चले, ये कुछ क्वेश्चन से अच्छा एक सवाल और था कि लेट्स से खुदा ना खास्ता पेंशन फंड में ये सब्सक्राइबर हैं और खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मिसहैप हो गया और उनके लीगल हेयर्स को पेंशन के उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई, तो क्या उस अमाउंट पे वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? लीगल हेयर्स को अगर पेंशन ट्रांसफर हो गई तो वो 50% तो उनको टैक्स फ्री मिल गई होगी और रिमेनिंग 50 की भी अगर वो उन्होंने मंथली पेंशन कर दी तो वो भी टैक्स फ्री है, तो उस पे बिकॉज टैक्स ही नहीं हुआ तो वो फिर टैक्स रिबेट नहीं पॉसिबल है। ओके, टैक्स रिबेट तो है ही उस इनकम पे, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसफर हुआ है और उनकी कोई और इनकम है जिसपे वो ऑलरेडी मिसाल के तौर पे लीगल हेयर्स में से किसी की सैलरी इनकम है तो वो अमाउंट जो उनको VPS में ट्रांसफर हुआ है, मेरा नहीं ख्याल वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। है तो ये इंटरप्रिटेशन की चीज, लेकिन मेरा ख्याल है फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो यूनिट्स तो वही है तो शायद एलिजिबल ना हो। ओके, बट ये ग्रे एरिया है, आई डोंट थिंक केस पे होंगी। ठीक है, चले ठीक है। थैंक यू जीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चंस और भी हो तो यू कैन पोस्ट इट ऑन आवर फेसबुक पेज और तन्वी ने आपको डिटेल्स दी हैं तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और हम विल बी हैप्पी टू आंसर यू। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस वीडियो के नीचे क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिएगा। वी विल ट्राई कि हम आपको डायरेक्टली वहीं पे आंसर कर दें या आपके इनबॉक्स में उसका आंसर मुहैया कर दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो जैसे मैंने पहले बताया हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, या SMS कर दें, या हमारा ईमेल है info@ublfunds.com, वहाँ पे भी आप ईमेल भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जल्दी हम अपनी एक और सर्विस इंशाल्लाह डिजिटल अकाउंट ओपनिंग भी शुरू करेंगे, तो जिसके जरिए से आप खुद भी हमारी ऐप पे डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।